Hello everyone, welcome again. Dear learners, जैसा कि आपको पता है कि real analysis में जो real analysis है उसमें topology of real numbers के videos मैं provide कर रहा हूँ, जिसमें हम open sets के videos last में हमने किए थे. तो उन videos के साथ, क्योंकि काफ़ी students की डिमांड थी कि जो हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के कुछ वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें कॉमन कैटनरी, वर्चुअल वर्क, मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में किए थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी कुछ लेक्चर्स बनाए जाएँ. तो आज से रियल एनालिसिस के पैरेलल मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर भी शुरू करने जा रहा हूँ, जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का एक टॉपिक है. तो पैरेलली हम रियल एनालिसिस के वीडियोस भी करेंगे. तो दो सीरीज हमारे साथ साथ अब कंटिन्यूसली चलते रहेंगे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पे. डेफिनेशन क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, एक पॉइंट है फिक्स्ड रिलेटिव टू द बॉडी थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज पासिस whatever be the position of the body, provided that its size and shape remain unaltered. अब ये definition statement से आपको समझ में नहीं आ रही होगी. Basics से start करते हैं. आपने एक word पढ़ा होगा, rigid body. Rigid body एक ऐसी body होती है जिसमें जो particles की distance होती है वो relative distance जो है वो change नहीं होती है. दो particles के बीच में distance जो है वो चेंज नहीं होती है जिस बॉडी में, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं. तो ये बेसिक रिजिड बॉडी आपने पढ़ा हुआ है पहले भी. अगर हम बात करें वेट की, जूनियर क्लासेस से आपने मास और वेट दो टर्म्स पढ़े होंगे और दोनों में डिफरेंस हम वहाँ पे डेफिनेशंस में पढ़ते थे. वेट क्या होता है एक्चुअल में? जो किसी भी एक बॉडी में जो पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को वर्क करता है, हर एक पॉइंट पे जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं. तो एक डायरेक्शन भी होती थी वेट में. तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन में हम मेजर करते हैं इसको. तो वेट क्या होता है? जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसी को हम वेट बोलते हैं जनरली. अब अगर हम बात करें, कोई भी एक बॉडी हमने ले ली, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं. रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी. जितने पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स में क्या होगा, हर एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा. और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो ये जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा. उस रिजल्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म में सीजी से इसको डिनोट करते हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अब मैं इसको और प्रैक्टिकली एक सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं. अगर मैं एक पेन का एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल, इससे आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा. ये पेन है. इस पेन में अगर मैं इस पेन को स्टेबल करने की कोशिश करूँ तो कोई ना कोई पॉइंट इस पेन में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये पेन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी दोनों साइड. तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये पेन स्टेबल हो जाती है उस पॉइंट को ही इस पेन की क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. इसके अलावा अगर हम जैसे कोई बुक का एग्जांपल ले लें, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बुक को इस तरीके से स्टेबल करके घुमा देते हैं इस पॉइंट पे. तो जिस पॉइंट पे ये स्टेबल हो जाएगी उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं किसी भी बॉडी की. ये सिंपल से वर्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं. और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो वेट है, जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी में वर्क कर रहा है उसका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं. तो ये जो रिजल्टेंट होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी की बात करें, जैसे कोई हमने सर्कुलर डिस्क ले ली, तो सर्कुलर डिस्क क्या है? सिमेट्रिक है. और अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होती है. और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, अगर उस रॉड की हम बात करें तो उस रॉड की
सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसके सेंटर पे होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हमने दोनों साइड के अगर दिया एक अलग अलग W1 और W2 वेट अप्लाई कर दिया, और W1 वाला जो वेट है वो W2 के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा वेट है। अगर ये वेट ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पहले इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट लगाने से पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थी, अब क्या होगा, इसका वेट इधर की ओर ज़्यादा है, इधर कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे वेट अप्लाई होता रहेगा किसी भी बॉडी में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो स्टेबल होता है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि ये वेट ज़्यादा है और ये वेट कम है। अगर दोनों साइड हम सेम वेट अप्लाई करें, W1 और W2 अगर दोनों इक्वल हो जाएं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी बॉडी की। तो एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि वेट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, अदरवाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो बॉडी पूरी स्टेबल हो जाती है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सिंपल से वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और सिमेट्रिकल बॉडी अगर है, सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडी के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाए आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी के बाहर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो बॉडी के अंदर ही हो। सिमेट्रिकल अगर बॉडी है तो सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, सेंटर पे होती है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंपल कंसेप्ट है। हमको मेनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में न्यूमेरिकल पे फोकस करना होता है। तो मैंने आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट बताया, हम इसके बाद न्यूमेरिकल की ओर फोकस करेंगे। पहले फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हमेशा एक पॉइंट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, फिक्स्ड रिलेटिव टू द बॉडी। वो फिक्स्ड होगा अगर ये मैंने जो दूसरा केस बताया था जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई थी, वो दूसरा केस वो है जिसमें हमने वेट अप्लाई किया है। वेट अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होने वाली है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड होगी, विच थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज पासिस। मतलब इस ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसका लाइन ऑफ एक्शन पास होगी, यानी कि जो जितने फोर्सेज लग रहे थे इन फोर्सेज का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। तो जिस पॉइंट से ये लाइन पूरे रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट से पास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की पोजिशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, प्रोवाइडेड दैट इट्स साइज एंड शेप रिमेन्स अनअल्टर्ड। इसमें मैंने दूसरे केस में क्या किया था, वेट अप्लाई किया था तो हमने इसके जो फोर्सेस हैं वो चेंज कर दिए थे। अगर बॉडी में उसका शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होने जा रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जहाँ पे जितने ये फोर्सेस लग रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा, जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाया करेगी, उसके सेंटर पे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बॉडी के आउटसाइड भी लाया कर सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंट्रॉइड भी बोल देते हैं कभी कभी, और सेंटर ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये दोनों नेम भी आपको याद रखना है, सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया। ये बात हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सिंपल कंसेप्ट। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम किसी भी बॉडी की निकाल रहे हैं तो ये डेफिनेशन से आपको एक समझ में एक जनरल आइडिया जो सिंपल सा समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, और एक पॉइंट अगर होता है तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम उसके निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने एक बॉडी ले ली कोई भी, उसमें बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, और ये जितने अलग अलग पार्टिकल्स हैं इस पार्टिकल के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। इस पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, और इस पहले वाले पॉइंट का मास है एम वन। फिर दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू, और इसका मास है एम टू। तीसरा पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री, और इसका मास है एम थ्री। तो ऐसे हमने पूरी जो बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स, रिजल्ट बॉडी है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें होंगे, हर एक पार्टिकल का हमने कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और उसका हर एक पॉइंट का हमने देखा कि मास एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन है। और इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट सपोज हैं एक्स बार और वाई बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी स्टेबल हो सके, या एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उसके लाइन ऑफ एक्शन पास हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उसका रिजल्टेंट फोर्स पास हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी
के फॉर्मूले की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक्स बार की अगर हम बात करें, एक्स बार क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक्स बार क्या है, एक्स बार है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हमने ये लिए हुए हैं, इनके सबका एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, इसके करस्पॉन्डिंग मास के साथ, मीन्स एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल के मास हैं उनको उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है अपॉन इनके करस्पॉन्डिंग मास का एडिशन एम थ्री एंड सो ऑन। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन एम वन एक्स वन अपॉन समीशन एम वन। तो ये एक्स बार मीन्स क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम कर रहा है, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स बार। ऐसे ही अगर हम इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई बार क्या हो जाएगा, समीशन एम वन वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपॉन समीशन एम वन। तो ये जो हमने एक्स बार और वाई बार निकाला है, ये है थ्योरम ऑन द मोमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, एक टॉपिक है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये एक्स बार और ये वाई बार का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला क्या है, हर एक पार्टिकल का मास उसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स बार निकल जाएगा, इन सब का एडिशन अपॉन सम ऑफ मासेस, ऐसे ही इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये तो बात हो रही है जब पॉइंट्स अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं। आपको पता है कि हम बहुत सारे एडिशन को समीशन से भी निकाल सकते हैं, अगर ये पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी में हम बात करें तो रिजिड बॉडी में एक पॉइंट के बाद जस्ट अगला पॉइंट आ जाएगा, पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, रिजिड बॉडी आपने पढ़ी होगी, पार्टिकल एक के बाद एक पार्टिकल्स होंगे इसमें, तो क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, और कंटिन्यूस अगर पार्टिकल्स होते हैं तो आपको पता है कि वो समीशन को हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन से अगर निकाल सकते हैं तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर एक्स बार इक्वल टू समीशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स क्या है, एक जनरल एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा अब यहाँ पे, और मास क्या हो जाएगा, स्मॉल मास डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये एक्स बार का फॉर्मूला हो गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसका फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। और इसको फिर से चेंज करना है, अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, और डेंसिटी मास अगर हमको निकालना तो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं होगी क्योंकि हम एरिया पे फोकस कर रहे हैं, तो जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है जनरली, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है एरिया है तो यहाँ वॉल्यूम की जगह एरिया आ जाएगा। तो अगर डेंसिटी रो है तो डीएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो डीएस, और यहाँ क्या आ जाएगा, रो डीएस। अगर इसकी डेंसिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो डेंसिटी जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और इंटीग्रेशन से बाहर आएगी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स डीएस अपॉन इंटीग्रेशन डीएस। ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया। ऐसे अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, वाई बार इक्वल टू क्या हो गया, वाई डीएस अपॉन डीएस। तो ये फॉर्मूला आपको, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हमने ये एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले हमने देखे हैं, इन पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना होता है, तो ज़्यादा डिटेल में इन फॉर्मूले में मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। एक्स बार और वाई बार जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे अभी। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो प्रीवियस क्लासेस में आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे डी एस अपॉन डी एक्स की बात करें तो ये होता है स्क्वायर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। डी एस अपॉन डी वाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। ऐसे अगर हम पोलर फॉर्म में बात करें तो पोलर फॉर्म में अलग फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ऐसे डी एस अपॉन डी आर का फॉर्मूला, ये पोलर, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा आर डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वन। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे,
सॉरी डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया डी एस अपॉन डी आर का फॉर्मूला, ये हो गया डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा पैरामीट्रिक में, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन दिया होगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस पहले वीडियो में कराने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉइड ऑफ द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड की इक्वेशन क्या होती है, x टू द पावर 2 बाई थ्री वाई टू द पावर 2 बाई थ्री इज इक्वल टू ए टू द पावर 2 बाई थ्री लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जितने भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जितने आपको आर्क या जितने भी आपको सरफेसेस, जितने भी आपको डायग्राम दिए होंगे, वो डायग्राम में आपको सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी, आपको हर एक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग उसका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन का नाम पता है आपको और उसका ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, उसकी ट्रेसिंग नहीं आती है, तो आप किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए सबसे बेसिक ये है कि आपको उसका ग्राफ याद होना चाहिए। तो एस्ट्रॉइड का ग्राफ कैसे बनता है, एस्ट्रॉइड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये ट्रेसिंग में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे t इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई टू, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है a कॉमा जीरो, x y x डैश y डैश। लेकिन ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आर्क ये जा रहा है, सिर्फ इस आर्क के करस्पॉन्डिंग आपको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, इन आर्क्स को आपको नहीं लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्क है उसके करस्पॉन्डिंग आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो आप इसका सॉल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, जिससे आप चाहें उससे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए पहले आपको x की पावर 2 बाई थ्री प्लस y की पावर 2 बाई थ्री इज इक्वल टू क्या है, a की पावर 2 बाई थ्री, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें 2 बाई थ्री x की पावर 2 बाई थ्री माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री, इसका y की पावर माइनस वन बाई थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स, और a की पावर 2 बाई थ्री का जीरो, 2 बाई थ्री हट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस x की पावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन y की पावर माइनस वन बाई थ्री, इनको ऊपर इंटरचेंज कर लेते हैं, तो y की पावर 1 बाई थ्री अपॉन x की पावर 1 बाई थ्री, ये वैल्यू किसकी आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ डी एस अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला भी आपको बताया था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और y की पावर 2 बाई थ्री अपॉन x की पावर 2 बाई थ्री। तो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 2 बाई थ्री प्लस y की पावर 2 बाई थ्री अपॉन x की पावर 2 बाई थ्री। तो x की पावर 2 बाई थ्री प्लस y की पावर 2 बाई थ्री कितना दिया हुआ, a की पावर 2 बाई थ्री, तो हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू a की पावर 2 बाई थ्री अपॉन x की पावर 2 बाई थ्री। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो 2 जो पावर आ रही है वो हट जाएगी, ये हो जाएगा a की पावर 1 बाई थ्री अपॉन x की पावर 1 बाई थ्री। ये वैल्यू किसकी आ गई, डी एस अपॉन डी एक्स की, यानी कि डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 1 बाई थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई थ्री इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला सॉरी ये वैल्यू किसकी आ गई, डी एस की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स बार और वाई बार हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स डी एस अपॉन डी एस, तो एक्स बार इक्वल टू एक्स डी एस कितना आ रहा है, ए की पावर 1 बाई थ्री एक्स की पावर माइनस 1 बाई थ्री डी एक्स अपॉन,
डीएस का मतलब हो गया ए की पावर 1/3, एक्स की पावर -1/3, डीएक्स, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के ए तक, 0 टू ए, ए की पावर 1/3 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, 0 टू ए, एक्स की पावर कितनी हो गई 2/3, और ये है 0 टू ए, एक्स की पावर -1/3 डीएक्स। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है आपको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5/3, लिमिट हो गई 0 टू ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3 अपॉन 2/3 0 टू ए, ये कैंसिल हो गया 3 से 3, तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया 2/5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए की पावर 5/3 अपॉन ए की पावर 2/3, तो ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा 2/5, 5/3 -2/3, 3/3, 3/3 का मतलब हो गया 1, तो ए आ जाएगा, यानी कि इसका एक्स बार का जो फॉर्मूला है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन में कहीं ना कहीं पर होगी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 2a/5, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, वाई बार इक्वल टू 0 टू ए, वाई डी एस अपॉन 0 टू ए डी एस। अब क्योंकि ये जो आर्क है सिमेट्रिकली बढ़ रहा है, तो सिमेट्रिकली अगर कोई भी आर्क है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप वाई बार सिमेट्री से वो भी इतना ही आएगा, कितना 2a/5, और अगर आप चाहें तो पूरे फॉर्मूले को यूज़ करके, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, उस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, वाई बार 0 टू ए, बस ये है कि आपको एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ds की वैल्यू क्या है, a की पावर 1/3, x की पावर -1/3 dx, और अपॉन में क्या आ गया 0 टू a, a की पावर 1/3, x की पावर -1/3 dx। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की करने से अच्छा आप सिमेट्रिकली जो बॉडी है उसका कंसेप्ट लगाएंगे, तो सिमेट्रिकली कंसेप्ट लगाने पे क्या हो जाएगा, वाई बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 2a/5, तो वाई बार आपको न्यूमेरिकली निकालने की जरूरत नहीं है। ये इसकी फर्स्ट मेथड हो गई, आप इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म से भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपको उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आनी चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करें तो x इक्वल टू होता a cos क्यूब t और y इक्वल टू a sin क्यूब t, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अगर आप x और y की वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे, आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म से आप क्या निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे, पहले आप dy/dt निकालेंगे, और उसके बाद ds/dt का भी फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, वो था dx/dt का स्क्वायर और dy/dt का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे आप x बार निकालेंगे तो x बार में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू t के टर्म्स में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा xdt अपॉन ds की वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। अब लेकिन इंटीग्रेशन किस में आएगा, dt में, और t की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 आप इसको इंटीग्रेट कर दें तब भी आपको x बार मिल जाएगा कितना, जो अभी 2a/5 आ रहा था, ऐसे ही y बार भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे y आ जाएगा और x के जगह पे आप क्या रख देंगे, a cos क्यूब t, और जब आप y बार निकालेंगे तो y की जगह पे क्या रख देंगे, a sin क्यूब t। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से भी आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म से भी आप इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बताई। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हम आगे के वीडियोज़ में भी लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम बेसिकली बात करें तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास लाया करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ से पास होती है, या जितने फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा
उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला ध्यान से आप पढ़ें और इस पे बेस न्यूमेरिकल करें। बस ये याद रखें कि डीएस अपॉन डीएक्स या डीएस अपॉन डीवाई जितने फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए। जल्दी न्यूमेरिकल्स की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स की अगली वीडियो में आपके सामने जल्दी लेकर के आऊँगा।